अस्सलाम वालेकुम। आज के क्लास में हम लोग पॉलिनेशन की किस्में, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के मेरिट्स यानी एडवांटेजेस और डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस के मुतालिक डिस्कस करेंगे। जब एक फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलकर उसी फूल के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं, तो इन दोनों ही सूरतों में जो पॉलिनेशन होता है उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। आम तौर पर सेल्फ पॉलिनेशन का अमल दो जिनसी फूलों में होता है, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 4 o'clock प्लांट या फिर वीट, बारली, राइस, टोमेटोज वगैरह। और ज़िरगी का वो अमल जिसके दौरान किसी फूल के एंथर से जरदाने निकलकर किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं, तब ये अमल क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्रॉस पॉलिनेशन का अमल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल्स, पम्पकिंस वगैरह। एक फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स दूसरे फूल के स्टिग्मा तक लैंड करते हैं या पहुँचते हैं, तो ये पहुँचाने के लिए बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, जिसे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहा जाता है। ये एजेंट्स दो तरह के होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक एजेंट्स होते हैं बर्ड, इंसेक्ट और बैट, और अबायोटिक में हो जाते हैं विंड एंड वाटर। सेल्फ पॉलिनेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ एजेंट्स। एजेंट्स की ज़रूरत की बुनियाद पर सेल्फ पॉलिनेशन के मेरिट्स और डीमेरिट क्या क्या हैं देखते हैं हम लोग। इस सेल्फ पॉलिनेशन में किसी एजेंसीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी पोलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है। ये हो गया इसका मेरिट्स, ये खुद ब खुद हो जाएगा। प्लांट जो पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है उन्हें ज़्यादा मिकदार में पोलन ग्रेन्स पैदा करने की भी ज़रूरत नहीं होती। कम पोलन ग्रेन्स होने से भी उनमें आराम से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। पौधों के फूलों में या फूलों में ऐसे डिवाइसेस नहीं पाए जाते जिससे पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करा जा सके, कीड़े मकोड़े उन पर जाके बैठें। डीमेरिट्स क्या होगा? चूंकि एक ही फूल में, एक ही प्लांट के फूल में होता है, इसीलिए नया कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में पैदा नहीं होता है। और इस वजह से क्या होगा, किसी दूसरे माहौल में मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है। ये सेल्फ पॉलिनेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स हुए ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ एजेंट्स। उसके बाद दूसरे पॉइंट के बुनियाद पर भी सेल्फ पॉलिनेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स हम लोग देखेंगे। किस बुनियाद पर? इमरजेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स इन द ऑफ स्प्रिंग जो पैदा होंगे उनमें नए कैरेक्टर के मुतालिक मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। हम लोग जानते हैं कि ये एक ही फूल में होगा या एक ही प्लांट के फूल में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसीलिए किसी तरह का कोई नया कैरेक्टर पैदा नहीं होगा। ये अपने पेरेंट का जो कैरेक्टर है, पेरेंटल कैरेक्टर, वो पूरी तरह से प्योर होगा। और डीमेरिट्स क्या होगा?
नया कैरेक्टर पैदा नहीं होता है, यानी इसमें वैराइटीज़ नहीं पैदा होगा, वेरिएशंस हम लोग नहीं देखेंगे, वैराइटीज़। बीमारियों से लड़ने की सलाहियत जो है, इम्यूनिटी पावर जो है, वो कम हो जाएगा, और इसीलिए इस तरह के पोलिनेशन वाले पौधों में एक्सटिंक्ट मादूम होने का ख़तरा बढ़ जाता है। सेल्फ पोलिनेशन की तरह अब क्रॉस पोलिनेशन में भी हम लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। उसी तरह से दो बातों को मद्देनज़र रखते हुए, एक नेसेसिटी ऑफ एजेंट्स, एजेंट्स की ज़रूरत, दूसरा इमर्जेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग। एजेंट्स की ज़रूरत की बुनियाद पर अब हम लोग क्रॉस पोलिनेशन में देखेंगे कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या हैं। नंबर वन मेरिट्स होगा, क्रॉस पोलिनेशन के नतीजे में बनने वाले पौधे या ऑफस्प्रिंग ज़्यादा हेल्दियर होते हैं सेल्फ पोलिनेशन के बनिस्बत, और उनमें माहौल से मुताबिकत करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट होगा ये एजेंट्स पर या फिर पोलिनेटर्स पर डिपेंड करता है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं बायोटिक और अबायोटिक एजेंट्स के बारे में, बायोटिक बर्ड, इंसेक्ट और बैट, अबायोटिक यानी विंड, वाटर, तो इन तमाम एजेंट्स पर डिपेंड करता है क्रॉस पोलिनेशन का अमल। डीमेरिट्स क्या होगा, ये एक गैर यकीनी प्रोसेस है क्योंकि ये एजेंट्स पे डिपेंड करता है। एजेंट्स की कमी, ये इस बात पर फर्टिलाइजेशन का बहुत असर पड़ता है। दूसरा, चूँकि एजेंट्स के जरिए ये अमल होता है, इसीलिए वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स की बर्बादी हो जाती है, नुकसान हो जाता है। इसीलिए क्रॉस पोलिनेशन वाले पौधों को ज़्यादा मिकदार में ज़रदाने पैदा करने की ज़रूरत होती है। अब पौधों में नए कैरेक्टर की नमूदार होने की बुनियाद पर क्रॉस पोलिनेशन का मेरिट्स और डीमेरिट्स से मुतल्लिक हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नंबर मेरिट्स होगा, पौधों में बीमारियों से लड़ने की मुज़ाहिमत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि नए और फ़ायदेमंद वैराइटीज़ पौधों में पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग प्लांट इन्वॉल्व हैं, इसीलिए वैराइटीज़ पैदा होगा। ये हो गया मेरिट्स। अच्छा, डीमेरिट्स जो है वो क्या है, एक नंबर पौधे का या उस पौधे के स्पीसीज़ का प्योरिटी लॉस्ट हो जाएगा, जो कि सेल्फ पोलिनेशन में ऐसा नहीं होता था, प्योरिटी कैरेक्टर का बरकरार रहता था। दूसरा पॉइंट जो है, हम लोग जानते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन दो अलग अलग पौधों में एक ही स्पीसीज़ के पौधों में होता है, इसीलिए कुछ नए वैराइटीज़ पैदा होते हैं, लेकिन साथ में कुछ अच्छे कैरेक्टर भी लॉस्ट हो जाते हैं। आम के फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स अगर निकलकर पपाया के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो क्या यहाँ पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन मुमकिन है? नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जर्मिनेशन होगा या फर्टिलाइजेशन जो होता है सेम स्पीसीज के बीच में होता है, तो आम का और पपाया का, ये मैंगो और पपाया का दोनों का स्पीसीज अलग है, इसीलिए यहाँ पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा। जिन फूलों में सेल्फ पोलिनेशन का अमल होता है, क्या उनमें क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है? जिन फूलों में सेल्फ पोलिनेशन होता है उसमें
क्रॉस पोलिनेशन का अमल भी हो सकता है। हम लोग आगे फिर हेरिडिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर अब दूसरे वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।